जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के बारे में। इसमें हमें समझना होगा कि कोल्ड वार की जो शुरुआत है वे कब से कब तक हुई और इसके जो जन्मदाता हैं वे कौन से देश हैं, ठीक है। और इसमें हमें समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुई और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुई, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, ठीक है। क्या है कोल्ड वार, शीत युद्ध? इसे समझने से पहले आप समझ लें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ये कब से कब तक हुई, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि आखिर में कोल्ड वार ये है क्या, शीत युद्ध क्या है, क्या शीत मतलब होता है ठंडा, क्या ठंडा के समय में ये युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो ये 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो ये 1939 से 1900 कहाँ तक चला था, 45 तक चला था, 1939 से 1945 तक चला था। और ये थर्ड में ये कोई थर्ड विश्व युद्ध नहीं हुआ था अभी, तो ये जो है कोल्ड वार हुआ था। ये जो कोल्ड वार है जिसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, ये चला था कोल्ड वार, ये चला था 1945 से 1991 तक। ये टोटल 46 साल तक चला था, 1945 से 1991 तक, कोल्ड वार जिसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। इसके क्या कारण थे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोल्ड वार की जो शुरुआत है ये दो देशों के मध्य हुआ था। इस साइड वाले जो क्षेत्र थे हमने बताया था, ये देखिए हमने बताया था एशिया में जो सबसे बड़े देश हैं ये रूस है, जो कि अभी वर्तमान में उतने बड़े नहीं हैं, 15 देश में टूट गए हैं, ठीक है, 1991 में ही टूट गए थे, ठीक, रूस है। और इस साइड में जो पावरफुल देश हैं उत्तरी अमेरिका में, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये यूएसए हैं और ये क्या है, रूस हैं। अमेरिका का कहना था कि हम पहले दुनिया में आते हैं और ये जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी राज्य हैं, वे सब हमारे अधीन हो, हमारे अनुसार ही चले, ठीक है। ये संयुक्त राज्य संघ का कहना था, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, संघ नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएनओ नहीं, यूएसए, ठीक है। और ये क्या है, ये रसिया है, रसिया दूसरी दुनिया में आता था। रसिया का कहना था कि जो भी देश हैं वे हमारे साथ रहे, हमारे साथ सहयोग में रहें और हमसे ही अच्छे संबंध रखें। तो पहले दुनिया की अगर बात करें, पहले दुनिया में यूएसए आता था, क्या आता है, यूएसए, और दूसरी में रसिया, रसिया। पहले दुनिया में अमेरिका आता था और दूसरी दुनिया में रसिया। अमेरिका कहता था जितने भी देश हैं वे क्या रहे, हमसे संपर्क रखें, हमसे अच्छी क्या रखें, रिश्ते रखें, और रसिया से यानी रूस से नहीं रखें, ठीक है। लेकिन रूस कहता था नहीं, ये सभी हमसे रखें। इसमें हुआ क्या कि जो पहली दुनिया में अमेरिका आता था और दूसरी दुनिया में रसिया आता था, ये दोनों आपस में कभी युद्ध किया ही नहीं। तो भाई युद्ध कैसे हो गया, युद्ध किया नहीं किया, तो आखिर युद्ध कैसे हुआ, ये युद्ध जो हुआ ये अमेरिका एवं रसिया के मध्य नहीं होकर के ये हुआ इन दोनों देशों के जो भी संबंध रखते थे, इन दोनों देशों से जो भी देश संबंध रखता था उनके साथ होता था। जैसे कि अमेरिका के नीचे में है मैक्सिको, कनाडा, अलास्का, अगर वे अमेरिका के साथ में जाता है, ठीक है, तो रसिया जो है ये अमेरिका को नहीं मारेगा, ये मारेगा मैक्सिको को, मारेगा कनाडा को, मारेगा अलास्का को। क्यों मारेगा, क्योंकि रसिया का कहना था कि तुम जो है अमेरिका का फेवर में क्यों गया, ठीक है। यही हाल अमेरिका का भी था। अमेरिका कहता था जो भी रसिया के नीचे देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया या और सब भी देश जो भी आते थे रसिया के नीचे में, भारत तो नहीं आता था इसमें, ठीक है, नेपाल, भूटान, जितने भी देश रसिया में आते थे, ठीक है, यानी रसिया से संबंध बनाना चाहता था, ठीक। तो पहली दुनिया के देश जो अमेरिका हैं वे मारता था भूटान को, नेपाल को, ठीक है। क्यों मारता था, क्योंकि इसका कहना था कि तुम रसिया के फेवर में क्यों गए, तुम्हें पहले दुनिया में आना चाहिए, यानी हमारे साथ आना चाहिए था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच तो कभी युद्ध हुआ ही नहीं, लेकिन जो इससे संपर्क रखता था उनके साथ युद्ध हो जाता था। ये मारता था इनके संबंधी को और ये मारता था इनके संबंधी को।
अब बात आया भारत का, अपना प्यारा देश जो भारत इंडिया है, इसके प्रति बात आया। तो भारत में जो पीएम थे उस समय के, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि हम जो है ना ही पहली दुनिया में आएंगे और ना ही दूसरी दुनिया में आएंगे। ठीक है, इन्होंने NAM यानी नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति क्या है भाई? गुट निरपेक्ष नीति के माध्यम से ये जो है ये तीसरी दुनिया में आने लगे। देखिए किस प्रकार से पहले दुनिया और दूसरी दुनिया बट गया। ये जो गुट निरपेक्ष नीति है यानी नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के माध्यम से ये कहा कि हम ना ही पहली दुनिया में जाएंगे और ना ही रसिया के साथ दूसरी दुनिया में जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ जाते हैं तो रसिया जो रूस है वे नाराज होगा, रूस के साथ जाएंगे अमेरिका नाराज होगा। तो दुनिया ये जो है भारत है ये किस में आया? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष नीति में। ठीक है, तो जो भारत है वे भारत चुपके से ये रसिया के फेवर में गया, बोला क्या कि हम जो है हम तुम्हारे ही फेवर में रहेंगे, लेकिन अभी जो है माहौल जो है वे काफ़ी गर्म है, इसलिए हम ये बात खोल करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण हो गए या मसाले उसाले, चाहे वे आयात करना हो या निर्यात करना हो, ठीक है, वे हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसलिए हम अभी खोल के नहीं बोल सकते हैं कि हम तुम्हारे फेवर में हैं या उनके फेवर में हैं, लेकिन ये चुपके से रसिया के फेवर में था, कौन? भारत। ठीक है, दुनिया के ये भारत जो है किस कौन से दुनिया में आने लगे? तीसरी दुनिया में। ठीक, तो अमेरिका जो है, अमेरिका को अगर युद्ध करना होता था रसिया से, देखिए ये है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे अगर युद्ध करना होता था तो ये इस होकर से आता था घूर करके, यहाँ पर तो आ जाता था, और इधर बर्फ पूरा, बताए थे कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ ऊपर में क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण से बर्फ ना ही पिघलता है और ना ही किसी भी अवस्था में रहता है, वे क्या रहता है, पूर्ण रूप से ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, ग्लेशियर रहता है काफ़ी जकड़े हुए करोड़ों सालों से। और दक्षिण में भी वही हाल है, दक्षिण में भी बर्फ जो है काफ़ी जकड़े हुए होते रहते थे। ठीक, तो अमेरिका जो है, अमेरिका यहाँ तक तो जाता था लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाता था, और रसिया जो है, रसिया इस होकर के कभी आएगा नहीं ऊपर होकर के, क्योंकि बर्फ में जमना है उन्हें, तो रसिया जो है इस नीचे होकर आता था, रसिया जो है इस नीचे होकर के, ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया होकर के आता था। ठीक है, इस साइड से आता था यानी भारत के नीचे होकर के इस साइड से आया, और तब इसके संबंधित देशों को मारता था, चाहे वे वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, है ना, यानी जो भी इनके फेवर में आता था उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका सोचा क्यों ना हम इनके जो रास्ते हैं रास्ते को ही ब्लॉकेज कर दें, यानी जिस रास्ते से रसिया आता है हमें मारने के लिए, हमसे युद्ध करने के लिए, हमसे संबंधी से युद्ध करने के लिए, क्यों ना हम इसके रास्ते को ही क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, जिसके माध्यम से अगर रसिया आए तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर सके, मार सके या उसे भगा सके। ठीक है, तो ये अमेरिका सोचा। अब देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है ये श्रीलंका से, ये श्रीलंका है भारत के नीचे में, आप मैप्स में देखें, मैप्स में आप काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे, यहाँ पे तो हम मतलब हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, और इनसे ही अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो बताए गए तरीका है वे काफ़ी सटीक होंगे, ये कभी फॉल्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद स्टडी करके ही आपको मतलब पढ़ाता हूँ। ठीक, यानी मैं को पहले खुद सीखता हूँ, मेरी जो हैबिट है वे क्या है, लर्न, पहले खुद सीखो, ठीक है, जितनी अच्छी तरीका से हो सके, उसके बाद क्या करो, सिखाओ, लर्निंग यानी लर्न और टीचिंग, जितने अच्छे तरीका से सीख सकते हो उतने अच्छे तरीका से सीखो, कॉन्सेप्ट्स को ग्रहण करो। ठीक है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका आता है किसके पास, ये श्रीलंका के पास, श्रीलंका को करोड़ों अरबों रुपया दे दिया, यहाँ पे बोला तुम रेलवे लाइन बिछाओ, यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम एयरपोर्ट बनाओ, और फिर क्या करो, कंपनी नई नई खोलो, इसके लिए हम तुम्हें पैसा देते हैं। ठीक है, तो फिर अमेरिका कहता है श्रीलंका से कि हम जो हैं तुम्हारे नीचे वाले जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पे एक अपना हम रडार स्टेशन लगाना चाहते हैं। ये कौन कहा? अमेरिका। तो श्रीलंका के जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जो बंदरगाह हैं, इसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह,
हम्बन टोटा बंदरगाह, ये हम्बन टोटा बंदरगाह को क्या करना चाहता था, यहाँ पे रडार स्टेशन बनाना चाहता था अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे रडार स्टेशन कौन बनाना चाहता था, अमेरिका बनाना चाहता था, ठीक है। लेकिन ये संभव नहीं हो सका, क्यों नहीं संभव हो सका, तो रसिया जो है, रसिया प्रेशर बनाने लगा अमेरिका, ये भारत पर, कहा भारत तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें जीवन में जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगी हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश के मध्य, तो ये 40वां बेड़ा लेकर के पहुंच गए थे ना भाई साहब, याद है ना, इसलिए यहीं कहे थे, यहीं पे इसकी जो है क्या हो गया था, संधि हो गया था, इसलिए रसिया जो है 40वां बेड़ा लेकर के हिंद महासागर में पहले से ही मतलब बिछा रखा था अपनी जाल। उसके बारे में भी हम बताएंगे जब आने वाले समय होंगे, तब हम उसमें भी बताएंगे, उसमें भी आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी देंगे, क्या था 1971 का युद्ध, क्या था 1965 का, 62 का युद्ध, ठीक है, क्या था 1991 का कारगिल युद्ध, ठीक है। ये जो रसिया है, रसिया भारत के ऊपर प्रेशर बनाने लगा कि भारत तुम मुझे आज बचा लो, ये अमेरिका जो है, अमेरिका जो हम्बन टोटा बंदरगाह यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से अगर रडार स्टेशन लगाता है तो हम अगर इस होकर के कभी आएंगे तो ये तो हमें यहीं पे पकड़ करके धो देगा, यहीं पे पकड़ करके क्या करेगा, मार देगा। इसलिए भारत जो है, भारत के नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के लोग जो हैं ये कहाँ पे रहते थे, श्रीलंका में रहते थे, यानी यहाँ पे कोई काम उम करते थे, ठीक है। तो श्रीलंका, ये भारत जो है इससे कहा, ठीक है, कि तुम जो है श्रीलंका को दो भागों में बांटने की मांग करो, ठीक है, यानी ऊपरी श्रीलंका मेरी और निचली श्रीलंका तुम्हारी, ठीक है। भारत जो है श्रीलंका में लिट्टे घुसा दिया, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, तमिलनाडु के लोग थे इसलिए तमिल ईलम है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और ये लिट्टे कहने लगा कि श्रीलंका को दो भागों में बांटो, ऊपरी श्रीलंका मेरी नीचे वाली तुम्हारी। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका को समझ आने लगा कि अरे ये क्यों कर रहा है हमारे साथ, जो कभी हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाया, वे अचानक इतने बदल कैसे किया है। तो श्रीलंका कहता है भारत से कि भारत ऐसा काहे कर रहे हो, तो कहता है कि तुम जो यहाँ पे बंदरगाह बना रहे हो इसे क्या करो, इसे वापस भगाओ, ठीक है। तो श्रीलंका कहता है नहीं नहीं अमेरिका तुम चले जाओ, हम ये रडार स्टेशन या पोर्ट तुम्हें नहीं दे सकते हैं, जितने अभी पैसे लगाए हो हम तुम्हें रिफंड करते हैं, रिटर्न करते हैं, इसलिए यू गो बैक, यानी तुम वापस चले जाओ, ठीक है। तो रसिया जो है भारत के ऊपर काफी खुश हुआ, काफी प्रसन्न हुआ कि भारत मेरे दोस्त तुमने आज मेरी मदद की है, मैं जीवन में जब भी तुम्हारे मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं रसिया के व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, और पीएम साहब हमारे भारत के हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छी तरह से संबंध है, ठीक। तो उम्मीद है आप इसे कोल्ड वार को समझ गए होंगे, ये कोल्ड वार के बारे में हमने बताया जो 1945 से 1991 तक चला था, ठीक है, और इसमें तो आपने देखा ही कि किस किस प्रकार से नरसंहार हुआ, जो भी इसके फेवर में आता था ये मार देता था, और जो इसके फेवर में आता था ये मारता था, इसके फेवर में जो आया रसिया मार दिया, ठीक है। उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।